बात करेंगे उस खबर की जो यूपी के लापरवाह काम में ढिलाई बरतने वाले अफसरों को चुभने वाली है। सीएम योगी के पास हर एक अधिकारी की रिपोर्ट पहुंच रही है और आने वाले दिनों में ब्यूरोक्रेसी पर एक्शन का बुलडोजर चलेगा। आज इसका ट्रेलर भी दिखाई दिया। विभागीय कामों में रुचि ना दिखाने वाले डीजीपी मुकुल गोयल को पद से हटा दिया गया। अब बारी दूसरे अफसरों। अफसर हो जाएं सावधान, सीएम का है सीधा ध्यान। ब्यूरोक्रेसी पर चलने वाला है बाबा का बुलडोजर। बिगड़ैल अधिकारियों के रवैये को सुधारने के लिए योगी सरकार के पास कार्रवाई का चाबुक तैयार है, जिसकी झलक बीते 50 दिन में कई बार देखी गई। दूसरी बार शपथ लेने के बाद सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि अधिकारियों को लेकर उनका प्लान कैसा रहने वाला है और इसको लेकर वो एक्शन में भी दिख रहे हैं। जमीन पर हालात समझने के लिए सीएम योगी ने 18 मंत्री समूह बनाए, जिन्हें अलग अलग 18 मंडलों के दौरे पर भेजा गया। बुधवार को जब कैबिनेट बैठक हुई तो इन मंत्री समूहों ने सीएम को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कई जिलों के अधिकारियों और ब्यूरोक्रेसी के लापरवाही की भी बात कही गई। रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम ने नोडल अधिकारियों से भी रिपोर्ट मांगी है। सूत्र बताते हैं कि जो रिपोर्ट मंत्री समूह ने दी उसमें बताया कि थाने, तहसील और ब्लॉक के साथ साथ जिला मुख्यालय पर जनता की सुनवाई में लापरवाही बरती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टीम का गठित किया मंत्रियों को कि मंडल वाइज उनको एक जवाबदारी दिया कि हर जिलों में जावें और एक समीक्षा करें, जनप्रतिनिधि के साथ बैठें, विधायक अपने संगठन के साथ बैठें और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा करें और उस समीक्षा के साथ साथ पूरी सारी रिपोर्ट एक माननीय मुख्यमंत्री को सौंपे। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा निर्देश है कि अगर जनहित के कामों में कोई भी अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। अधिकारियों का काम ही सरकार की छवि बनाता और बिगाड़ता है और सरकार इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। योगी को दोबारा सीएम बने ज्यादा दिन नहीं बीते और अधिकारियों पर हुई कार्रवाई सरकार की भविष्य वाली रणनीति दिखाती है। भ्रष्टाचार के मामले में डीएम औरैया सुनील वर्मा सस्पेंड किए जा चुके हैं। अवैध खनन के मामले में डीएम सोनभद्र टीके शिव सस्पेंड हो चुके हैं। भ्रष्टाचार के मामले में गाजियाबाद की पूर्व डीएम निधि केसरवानी पर कार्रवाई हुई। लापरवाही बरतने पर गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार निलंबित हो गए थे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के असिस्टेंट कमिश्नर आशुतोष मिश्र भी सस्पेंड हुए। बाराबंकी ट्रेड टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर अंजलि चौरसिया निलंबित हो चुकी है। पेपर लीक मामले में बलिया डीआईयूएस ब्रजेश मिश्रा सस्पेंड हो चुके हैं। पेपर लीक मामले में पूर्व शिक्षा निदेशक विनय पांडे सस्पेंड किए जा चुके हैं। भ्रष्टाचार में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यूपीएसआईडीसी के 8 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। जिले के स्तर पर भी कई और भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी जनहित के कामों के लिए कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर उनके पास रिपोर्ट आई है, जिस जिले की रिपोर्ट आई है कि अगर वहाँ पे अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो सुनिश्चित है कि अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सरकार बनते ही कहीं के दो एक जगह के अधिकारी जिला अधिकारी ने लापरवाही किया और तत्काल उन्होंने सस्पेंड किया है, तो अगर मंत्रियों ने इस तरीके की कोई रिपोर्ट सौंपी होगी तो जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे। सीएम योगी ने हर मंत्री से एक एक करके रिपोर्ट ली और जो खामियां मिली उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बाकी के जो जिले बचे हैं मंत्री समूह ने उनका भी दौरा शुरू कर दिया है और शनिवार तक हर जिले की रिपोर्ट तैयार करनी है। सरकार भी प्रयासरत है कि ये चीज़ें रुकेंगी नहीं, इसको कंटिन्यू करते रहना है। अब जैसे उन्होंने कहा कि जो जिले बाकी हैं इसी शुक्रवार शनिवार को आप उसको पूरा करेंगे। बताया जा रहा है कि मंत्री समूह ने अब तक जो रिपोर्ट दी है उसमें 35 जिलों के अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही और खामियां सामने आई हैं। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों पर अब बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने कहा है
के मंत्री समूहों की रिपोर्ट नोडल अधिकारियों को दी जाएगी और इसके आधार पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।